a wonderful award. Good evening, everyone, and congratulations to all the recipients of this award. I think extraordinary, I guess that means that we are not ordinary, right? But I don't think anybody wants to be ordinary. But I am sure you all will agree with me when I say that the only way to be extraordinary is to keep it simple and real. So to simplicity and realism. And thank you, Next Brands. Thanks for Times Now. Thank you all, and congratulations to everybody else. Thank you. Thank you, Arjun. We would like you to stay back and give us and hand out the next set of nominations. Thank you. One by one, guys, please. ये दरवाजा बंद कर दीजिए. अभी मैं किसका जवाब दूं, आपका या इनका? आप ही पूछे पहले. तो ये अवार्ड्स बहुत ही अलग किस्म के अवार्ड्स हैं. ऐसे कहते हैं दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका मतलब है कि आप आम नहीं हो, यू नो, अलग हो. तो और मेरे ख्याल से मैं काम इसीलिए करता हूँ कि मेरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही रहे और ऑर्डिनरी ना रहे. और उसके लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखना यही है कि अपने लाइफ को आप जितना सिंपल रखोगे और रियल रखोगे, उतनी ही और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी ज़िंदगी बनते जाएगी. थोड़ा सा अलग सवाल है कि रिसेंटली हमने कोई एक इंटरव्यू में सुना था कि जहाँ आपने खुद क्लेम किया था कि एक्टर को कोई बाउंड्री लाइन नहीं होनी चाहिए. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक्टर को कोई बाउंड्री लाइन नहीं होनी चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए. हाँ, मेरे ख्याल से मैंने कहा था कि बेसिकली क्या होना चाहिए कि एक्टर्स एक्टर्स होते हैं. हम लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर आते हैं और इसीलिए हम खुशी लाना चाहते हैं लोगों को. यू नो, वी वांट टू एंटरटेन पीपल. तो पॉलिटिक्स एंड एक्टिंग डजंट गो हैंड इन हैंड. हाँ, व्हाट यू, आप सर क्या पूछ रहे थे? आई थिंक मेरे ख्याल से जब मुझे अवार्ड मेरा एक्टिंग के लिए मिलती है तो ऑब्वियसली दोज आर द वंस विच आर वेरी वेरी स्पेशल. तो जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला, जब यू नो रॉक ऑन के लिए, यू नो, या फिर राजनीति के लिए, या फिर रावण के लिए, तो ऑल दोज आर वेरी इम्पोर्टेंट. अरे सर, हाँ, वो डब्बू रद्दानी की कैलेंडर के लिए था जी. तो अभी 18 साल हो गए मेरे और डब्बू रद्दानी के साथ ये कैलेंडर करते वक्त. तो आई थिंक वो थक गए मुझे देखकर. तो मुझे एक ऐसे एज पर लेकर गए थे, आई थिंक 50th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग. उन्होंने मुझे एज पर खड़ा किया और मुझे लगता है वो धक्का देना चाहते थे मुझे कि नेक्स्ट ईयर मैं उनके कैलेंडर में ना रहूँ. अभी मैं फिल्म की शूटिंग जो चल रही है वो है पल्टन. वो JP दत्ता सर की फिल्म, इट्स अ वॉर फिल्म, इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स. तो उसकी शूटिंग चल रही है. आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ राइट नाउ टू शूट इट अगेन. आई थिंक जून जुलाई तक रिलीज हो जानी चाहिए. थैंक यू. सेंटर डाउन डजंट साउंड वेरी गुड. Thank you, sir. Good luck.